एक लड़का और लड़की आंगन में खेल रहे थे। शायद उम्र रही होगी 8 या 10 साल। लड़की के पास दोनों मुठ्ठिया भर के चॉकलेट्स थी और लड़की के पास कंचे थे, रंग बिरंगी कंचे। लड़की के हाथों में जैसे ही लड़की ने चॉकलेट्स देखी, लड़के का मन ललचाया। उसने अपने कंचों का मार्केटिंग करते हुए बोला लड़की को, देखो मेरे पास कितने रंग बिरंगी कंचे हैं, तुम्हें चाहिए? लड़की ने कहा, हाँ बिल्कुल चाहिए। लड़के ने बार्टर डील का ऑफर ऑन किया और कहा, पर बदले में तुम्हारे पास जितनी भी चॉकलेट्स है वो मुझे देनी पड़ेगी। लड़की ने कहा, हाँ पर तुम्हारे घर पे भी जो कंचे हैं वो भी मुझे लाके दो, तो सारी की सारी चॉकलेट्स तुम्हारी। लड़की ने बोला, डन डील। सारी की सारी चॉकलेट्स अपने हाथों में ले ली, दोनों हाथों में चॉकलेट्स भर के यूं लड़की को दिखाया और कहा, देखो ये चॉकलेट्स मैं घर पे रख के आता हूँ, तुम इधर ही रुको, घर पे जो कंचे हैं वो भी मैं लेके आता हूँ। वो भाग के गया घर पे और सारी की सारी चॉकलेट्स ड्रॉर्स में रख दी। घर पे जो कंचे थे वो उठाए, अपने पॉकेट्स में सेट किए और दरवाजे की ओर भागने लगा। जैसे ही वो बाहर निकला, रुक गया। उसके दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आया। लड़की को तो पता ही नहीं है लड़के के घर में कितने कंचे हैं। उसने अपने फेवरेट वाले 4-5 बहुत ही कलरफुल कंचे वापस निकाले, घर में गया, ड्रॉअर में रखे और फिर आया बाहर और भाग के लड़की के पास गया। लड़की को सारे के सारे कंचे दे दिए। लड़की बहुत ही खुश थी, इतने रंग बिरंगी कंचे उसने पहले कभी नहीं देखे थे। वो कंचे लेके अपने घर गई, पूरा दिन कंचों से खेला, थक हार के रात को सो गई। यहाँ लड़का भी खेल कूद के थक सा गया था, वो बिस्तर में गया पर सो नहीं पा रहा था। करीबन आधा एक घंटा करवटे बदलता रहा, उसे नींद ही नहीं आ रही थी। बार बार उसके दिमाग में ख्याल आ रहा था कि उसने लड़की का भरोसा तोड़ा है। लड़की ने पूरे भरोसे के साथ उसके पास जितनी भी चॉकलेट्स थी लड़के को दे दी थी, लेकिन यहाँ लड़के ने कुछ कंचे बचा लिए थे। बहुत सोचा, बहुत ट्राई किया, फिर भी नींद नहीं आई। हार के लड़का अपने बिस्तर से खड़ा हुआ, भाग के उस लड़की के घर पे गया और दरवाजा नॉक किया। लड़की की माँ ने दरवाजा खोला। पड़ोसी का इतना छोटा सा बच्चा रात के 10-10:30 बजे अपने घर पे आके डोर क्यों नॉक कर रहा है? इसी सोच के साथ आंटी ने पूछा, क्या हुआ बेटा, क्यों इस वक्त? बच्चे ने कुछ नहीं बोला, अपनी जेब से वो छुपाए हुए कंचे निकाले और आंटी के हाथ में रख दिए और झट से भाग के अपने घर पे चला गया। 5 या 10 मिनट हुई होगी, शांति से अपने बिस्तर में सो गया। सो बात सिर्फ इतनी सी है जनाब कि रिलेशनशिप, व्यापार और प्यार में कभी भी कुछ छुपाया नहीं करते, तो ही राहत की नींद आती है।